वो सदर से टिकट वो भी मांग रहे थे, उनसे कोई बात नहीं की गई, जो टिकट क्लियर किए गए उनसे कोई सलाह नहीं ली गई क्योंकि वो जिला अध्यक्ष थे। कई आरोप लगाए हैं उन्होंने, और ख़ास करके आपके प्रदेश अध्यक्ष पे कि 20 लाख रुपए की डिमांड। इससे पहले बारह के जो जिला अध्यक्ष हैं वो लगा चुके हैं कि 20 लाख रुपए सबसे लिए गए हैं, और कुछ लोगों ने कहा भी है कि हाँ हमसे भी लिए गए। तो इसको कैसे देखते हैं? अपने खर्चे से ही इलेक्शन लड़ना है, रैलियाँ करानी है, सभाएँ करानी है, वो सारे खर्चे आपको शेयर करना है। मगर बदले हुए परिवेश में जब ये हुआ कि भाई रैली नहीं हो सकती है, वो नहीं आ सकते हैं, तो उसका तरीका निकाला गया कि भाई LED बसेस से, मोटरसाइकिल से प्रचार होगा। और अभी रिसेंटली 15 दिन पहले चीज बताई गई, वो पहले से नहीं था। तो आपका पैसा जमा हो चुका है, कितना जमा हो चुका है? क्योंकि अगर मान लीजिए इस वक्त कोई रैली या कोई सभा फिजिकली नहीं हो सकती है, तो डिजिटल इंडिया में बहुत से तरीके हैं कि भाई LED बसेस, LED मोटरसाइकिल्स अवेलेबल कराए जाएंगे। जो एक कंपनी से एग्रीमेंट हुआ है और एक गाड़ी हमारी कुर्सी में आज आ गई है LED, तो वो कल करके गांव-गांव प्रचार करेगी, तो सिर्फ उसके खर्चे के लिए पैसा लिया गया है, वो पैसा मुझसे लिया गया है। कितना पैसा लिया गया है? वो जनीन है, उतना खर्चा आएगा, अदरवाइज और कोई पैसा नहीं। सबसे लिया गया है ये बताइए कैश में।